आप देख रहे हैं ईटीवी भारत और ये है न्यूज टाइम। भजन लाल सरकार की पहली कैबिनेट और विधायक दल की बैठक गुरुवार को होनी है। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि 19 जनवरी से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। भरतपुर और धौलपुर के जाटों ने एक बार फिर केंद्र में ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन की भरी हुंकार। महापड़ाव के लिए लोगों का पहुंचना जारी। कोटा झालावाड़ मार्ग पर अनंतपुरा में सैकड़ों लोगों ने बुधवार को जमकर किया हंगामा। काफी समझाने के बाद भी नहीं माने तो पुलिस ने जमीन पर लाठियां फटकारते हुए इस भीड़ को किया तितर बितर। ओम बिरला ने भी पीएम मोदी के अभियान के बाद की कोटा में मंदिर में साफ सफाई। कहा प्रधानमंत्री ने स्वच्छता के मामले में पूरे देश को दिया है संदेश। जयपुर के पूर्व राजघराने की राजमाता पद्मनी देवी अपने पीहर से गुरु गोविंद सिंह की तलवार को अपने साथ लाई थी। शौर्य के प्रतीक इस तलवार को सिटी पैलेस के पूजा स्थल में रखा जाता है, जहां इसकी नियमित पूजा की जाती है। सवाई माधोपुर में पुलिस ने तस्करी के लिए ले जाए जा रहे 27 गोवंशों को ट्रक से पकड़ा। पुलिस ने ट्रक चालक को भी किया गिरफ्तार। जयपुर के एक राम भक्त चंद्रशेखर दत्तात्रेय ने अयोध्या तक के लिए 706 किलोमीटर की दौड़ की शुरू। उनका प्रयास है कि रोज 80 से 85 किलोमीटर दौड़कर प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त में शामिल हो। अजमेर दरगाह में पाकिस्तान की हुकूमत और आवाम की ओर से पेश की गई चादर। पाकिस्तानी जायरीनों को कड़ी सुरक्षा के बीच दरगाह में जियारत कराई गई। कोटा निवासी दो भाइयों ने भगवान श्री राम के लिए सोने और चांदी की झाड़ू तैयार करवाई। दोनों झाड़ू को अष्ट धातुओं से बनवाया गया है, साथ ही उनके ऊपर सोने और चांदी की परत चढ़ाई गई है। राजस्थान में पूर्वी हवाओं के प्रभावी होने से अति घना कोहरा छाए होने की संभावना। मौसम विभाग ने 10 जिलों में येलो अलर्ट किया जारी। ये थी अभी तक की प्रमुख खबरें। लॉग इन करें www.etvbharat.com।